आज हम विनायक चतुर्थी के पूजा के बारे में जानेंगे। ये विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। ये विनायक चतुर्थी त्यौहार छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी पूजा करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजा करते हैं। ये विनायक चतुर्थी त्यौहार को बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग इन्वॉल्व होके सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे विनायक चतुर्थी के दिन अपने पुस्तक भगवान का ने रख के पुस्तकों को हल्दी और तिलक लगा के पूजा करते हैं। बड़ों बाहर जाके बाहर से गणेश जी का मूर्ति लाके घर में पूजा करके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नैवेद्य करके भगवान को समर्पित करते हैं। अब मैं आपको विनायक चतुर्थी पूजा की सामग्री बताऊँगी। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, फूल, कर्पूर, सुपारी, केले, नारियल, गुड़, पान के पत्ते, तोरण, पंचामृत, दिया और घी। दिया हम घी से भी लगा सकते, नहीं तो तेल से भी लगा सकते। और दिया के काढ़े, गणेश जी का, विनायक जी का मूर्ति और 21 वेराइटीज का पत्ते, इसके साथ ही डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नैवेद्यम रखते हैं। उसमें पुलिहोरा, मोदक, कुडमुलू दो वेराइटीज़ का रहते हैं, एक स्वीट कुडमुलू और सॉल्टेड कुडमुलू, दोनों वेराइटीज़ भी रखते हैं। और पालटालिकलू बोल के रखते हैं, वो विनायक चतुर्थी का स्पेशल रेसिपी। और पूरन पोली, बघारा चने, मोतीचूर लड्डू, वड़ापप्पू, चलमिदी, पानकम एक्सेट्रा, ऐसा डिफरेंट वेराइटीज़ का नैवेद्यम बना के गणेश नवरात्रि में भगवान गणेश जी को नैवेद्य ऑफर करते हैं। भगवान का मूर्ति रख के पूजा करके व्रत की कथा पढ़ के नैवेद्य समर्पित करके पूजा समाप्त करते हैं। पूजा होने के बाद भगवान गणेश से अक्षत लेके वो सिर के ऊपर डालना है, क्योंकि इस दिन हम लोग चांद को नहीं देखना है ना, चांद को श्राप है ना, वो श्राप रिलीफ के लिए भगवान को पूजा करे सो अक्षत सिर पे डालना है। सो ये है हमारा विनायक चतुर्थी पूजा की प्रोसेस, पूजा की सामान। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।